हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री चैनल। लास्ट वीडियो हमारी एक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो थी। इसमें हमने जस्ट कुकिंग ऑयल की जो इंट्रोडक्शन थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा और थॉर्मली उसको कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। एडिबल ऑयल की बेसिकली दो टाइप्स होती है, बाई नेचर है ये, एक प्लांट बेस्ड है, दूसरी जो इसकी टाइप है वो एनिमल बेस्ड है। प्लांट के अंदर, प्लांट या वेजिटेबल के अंदर, जैसे कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, इसके अलावा कॉर्न ऑयल भी है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब जब प्लांट या वेजिटेबल ऑयल की अगर हम बात करें इसके अंदर फिर दो कैटेगरीज आती है, एक कैटेगरी ऑयल है, दूसरी जो कैटेगरी हमारी है वो फैट है। ऑयल वो कुकिंग या ऑयल वो है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है। जैसे आप कोई ऑयल ख़रीद के घर लेके आते हैं, अपने किचन में रख लेते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ये लिक्विड में होता है, ये सॉलिड नहीं होता है, जम नहीं जाता है। कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये इन सब की ये प्रॉपर्टी होती है जिसको अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। इस तरह से अगर हम फैट की बात करें जो मार्केट में वनस्पति के नाम से आता है, ये बेसिकली पाम ऑयल होता है या पाम ओलिन होता है, या इसके अंदर कोई सॉफ्ट ऑयल मिलाया जाता है, इनकी ब्लेंडिंग की जाती है, मिक्स अप किया जाता है, और कोई हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड पाम ओलिन को इसके साथ काटन सीड के साथ मिला के घी या वनस्पति घी बनाया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी यह है कि यह रूम टेम्परेचर पे, यानी घर पे या आपके किचन में ये जमा हुआ होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम ये डिस्कस करेंगे जो ऑयल है हमारा उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, उसके कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं। इसी तरह से घी है, घी की प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, इसके एनालिटिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरी आने वाली वीडियोस को देखें अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कुकिंग ऑयल के बारे में। शुक्रिया, थैंक यू।